आज मैंने मतदान यहाँ पर मुंबई में जयप्रकाश नगर में किया है। 1957 में मैंने पहले दफ़े मतदान किया था और तब से लगातार सभी चुनावों में मैंने मतदान किया है। मेरी विशेषता और भी एक ये है कि मुझे भी लोगों ने मत दिए है। मुझे बोरीवली से 3 बार विधानसभा में लोगों ने चुन कर दिया, 5 बार उत्तर मुंबई के लोगों ने संसद में चुन कर दिया और मुंबई के लिए तो रिकॉर्ड बनाया। कोई भी मुंबई में लगातार 8 बार इस प्रकार से जीत कर नहीं आया है। गए समय मैं यहाँ मतदान करने के लिए नहीं आया था क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था और राज्यपाल को पोस्ट द्वारा मतदान करने का अधिकार होता है। आने का जाने का मेरा, मेरे पत्नी का, सिक्योरिटी वालों का सारा खर्चा उसमें से बच जाता है, इसलिए मैं गए 2 चुनाव में पोस्ट द्वारा मतदान किया। आज यहाँ पर आके कराया हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के मतदान कुछ बाधाएं आ रही है, बारिश भी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो भी मतदान होगा उसमें से जो भी निर्णय आएगा सब लोगों ने उसका स्वीकार करना चाहिए। ये जनतंत्र है और जनतंत्र का यह एक महासंग्राम महाराष्ट्र में हुआ है। इसमें परिणाम क्या होता है इसकी उत्सुकता केवल महाराष्ट्रवासियों को नहीं तो देशवासियों को होगी और देशवासियों के परे भी दुनिया में इसकी चर्चा होती रहेगी। देखें क्या निर्णय आता है 24 तारीख।